तो भाई लोग कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपने थंबनेल देखकर पता कर ही लिया हो कि आज की वीडियो हमारी पिछली वीडियो से थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को MX प्लेयर पर अवेलेबल 15 जी हां 15 ऐसी रोमांटिक कोरियन ड्रामास के बारे में बताऊंगा जो हिंदी में अवेलेबल है। और इन सारे कोरियन ड्रामास को मैंने इनके व्यूज के आधार पर 1 से 15 तक जगह दी है। अगर आपको रोमांटिक कोरियन ड्रामा वेब सीरीज देखना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट गिफ्ट है। तो इस गिफ्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक करके जाइएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। नंबर 15 पर है हॉट एंड स्वीट। यह एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसकी कहानी फॉलो करती है एक हैंडसम फूड ट्रक बॉय को जो गैंगवान बीच पर अपना फूड ट्रक चलाता है, और इसी दौरान वह एक अनोखी और मिस्टीरियस लड़की से मिलता है। और यह वेब सीरीज इन्हीं के रोमांटिक जर्नी को दिखाती है, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं। और इसे माई ड्रामा लिस्ट ने 7.2 की रेटिंग दी है। नंबर 14 पर है टू ऑल द गाइस हु लव्ड मी। यह एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा पर बेस्ड वेब सीरीज है जिसकी कहानी फॉलो करती है ह्यून जो को, जो एक स्ट्रॉन्ग वुमन होने के साथ साथ अपने करियर को लेकर भी बहुत ही फोकस्ड और पैसिनेटेड है, पर प्यार के मामले में या लव लाइफ के मामले में वो बहुत ही अनलकी है। पर जब उसके लाइफ में दो ऐसे लड़कों की एंट्री होती है तो उसके कभी न रिलेशनशिप में आने वाला डिसीजन फेल होता सा दिखने लगता है। अगर आपको लव ट्रायंगल पर बेस्ड वेब सीरीज देखना पसंद है तो आप इसे जरूर देख सकते हैं। यह MX प्लेयर पर हिंदी में अवेलेबल है जिसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं। नंबर 13 पर है इमरजेंसी कपल। यह एक कॉमेडी ड्रामा रोमांस वेब सीरीज है जो कहानी है जिन ही और चांग मिन की, जो बहुत ही कम उम्र में शादी कर लेते हैं और बहुत ही जल्द उनका डायवोर्स भी हो जाता है। और फिर कई वर्षों के बाद वो एक ER में इंटर्न के रूप में मिलते हैं। इस वेब सीरीज की कहानी यहीं से आगे बढ़ती है और आपको ड्रामा रोमांस और कॉमेडी की एक जर्नी पर ले जाती है। यह वेब सीरीज हाल ही में MX प्लेयर पर हिंदी में रिलीज की गई है जिसमें टोटल 21 एपिसोड्स हैं और इसकी IMDb रेटिंग 7.4 की है। नंबर 12 पर है इनटू द रिंग। यह एक कॉमेडी ड्रामा रोमांस जॉनरा पर बेस्ड वेब सीरीज है जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है गुसेरा की, जो एक जॉब पाने के लिए स्ट्रगल कर रही है क्योंकि वो जॉब के मामले में बहुत ही अनलकी है। लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब वो गोंग मिंग से मिलती है जो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लड़का है। वह गुसेरा को एक ऑफर देता है, 90 दिन काम करने के बदले उसे $50 मिलियन दिया जाएगा। अब इसके बाद जो कुछ भी होता है इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। अगर आपको कॉमेडी रोमांस पर बेस्ड वेब सीरीज देखना पसंद है तो आप इसे MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं जिसमें टोटल 16 एपिसोड्स हैं। नंबर 11 पर है मियो द सीक्रेट बॉय। यह कॉमेडी ड्रामा रोमांस जॉनरा की वेब सीरीज है जो कहानी फॉलो करती है एक लड़की किम शोल की, जो ब्रेकअप से जूझ रही होती है तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे एक बिल्ली अडॉप्ट करने के लिए बोलता है। पर वह कोई आम बिल्ली नहीं है, वह खुद को इंसान में बदल सकता है। अब वो कैट इंसान में कैसे और क्यों बदल सकता है और किम के ब्रेकअप के पीछे का क्या कारण होता है, यह तो आपको यह वेब सीरीज देखकर ही पता चलेगा। यह वेब सीरीज MX प्लेयर पर हिंदी में अवेलेबल है जिसमें टोटल 12 एपिसोड्स हैं और आप इसे एक बार तो ट्राई कर ही सकते हैं। नंबर 10 पर है हॉस्पिटल शिप। यह एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है जो ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है, जिसकी कहानी घूमती है एक फ्री हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के अराउंड। इस वेब सीरीज में आपको एक बेहतरीन लव ट्रायंगल देखने को मिलता है जिसे आप सच में बहुत पसंद करेंगे। अगर आपको रोमांटिक लव ट्रायंगल पर बेस्ड वेब सीरीज देखना पसंद है तो आप इसे MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं और इसकी IMDb रेटिंग 6.9 की है। नंबर 9 पर है वेयर स्टार्स लैंड। यह एक ड्रामा रोमांस पर बेस्ड वेब सीरीज है जो कहानी है लीसो यून और हान यो रेम की, जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम करते हैं और इसी दौरान इन दोनों में किसी तरह प्यार हो जाता है। ये प्यार कैसे होता है ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होता है। और क्या लीसो यून के पास कोई सुपर पावर्स है या वो कोई रोबोट है, बहुत सारे सवाल और मिस्ट्रीज इस वेब सीरीज के साथ जुड़ी हुई है। यह वेब सीरीज MX प्लेयर पर हिंदी में अवेलेबल है जिसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं और आप इसे जरूर ही देख सकते हैं। नंबर 8 पर है दैट मैन ओशू। यह एक फैंटेसी ड्रामा रोमांस सीरीज है जिसकी कहानी एक ऐसे लड़के की जिसके पास एक मैच मेकिंग क्यूपिड है जिसके हेल्प से वह दो प्यार करने वालों को एक साथ ला सकता है। इसके बावजूद वह खुद अपने लाइफ में अकेला है। पर क्या होता है जब वह एक पुलिस वुमन यूरी से मिलता है जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया है। यह एक बहुत ही अच्छी फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा सीरीज है जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हैं और इसकी IMDb रेटिंग 6.6 की है। नंबर 7 पर है गोब्लिन। यह फैंटेसी ड्रामा रोमांस सीरीज है जो कहानी है गोब्लिन नाम के एक गॉड की, जिसे अपने कर्स्ड इमोर्टल लाइफ को खत्म करने के लिए एक ह्यूमन ब्राइड की आवश्यकता है। अब क्या वह मौत को गले लगा पाएगा और इसको पाने के दौरान जो कुछ भी होता है यही इस वेब सीरीज की कहानी है। यह काफी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग वेब सीरीज जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं और इसकी IMDb रेटिंग 8.7 की है। नंबर 6 पर है 1% ऑफ समथिंग।
इस वेब सीरीज की कहानी तब शुरू होती है जब एक लड़की एक बूढ़े व्यक्ति की जान बचाती है और इसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति उस लड़की के नाम कर देता है और दूसरी तरफ उस बूढ़े व्यक्ति का पोता संपत्ति पाने के लिए उस बूढ़े व्यक्ति से एक सौदा करता है जिसमें उसे उस लड़की को डेट करना है। अब इस अनचाहे संबंध को दोनों को निभाना है। यह कॉमेडी ड्रामा रोमांस पर बेस्ड एक इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है जो आपको जरूर पसंद आएगा। इस वेब सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.7 की है जिसे आप एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। नंबर 5 पर है डॉक्टर स्ट्रेंजर। इस वेब सीरीज की कहानी है साउथ कोरिया में रहने वाले एक लड़के पार्क होन और उसके पिता की, जिसे नॉर्थ कोरिया के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। और जब वह नॉर्थ कोरियाई हाई स्कूल में था तो उसे जेही नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था और इधर इस दौरान उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद पार्क होन जेही के साथ साउथ कोरिया भाग जाना चाहता है पर जेही से उसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। अब आगे क्या होता है यही तो इस वेब सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाता है। यह एक एक्शन ड्रामा और रोमांस पर बेस्ड वेब सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.5 की है और इसे आप एमएक्स प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर हिंदी में बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। नंबर 4 पर है हेयर्स। यह 2013 में आई एक कॉमेडी ड्रामा रोमांस वेब सीरीज है जिसमें एक घंटे के लगभग की आपको टोटल 20 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। यह एक अच्छी और काफी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है जिसे आप एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.7 की है। नंबर 3 पर है पिनोकियो। इस वेब सीरीज की कहानी एक यंग लड़के और उसकी फैमिली की, जिसे न्यू मीडिया के द्वारा तबाह कर दिया जाता है। इसके बाद समुद्र में खो जाने के बाद उसे एक रूरल एरिया में एक फैमिली के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है और वह 13 साल तक अपने पास्ट की सारी बातें सबों से छुपाए रहता है और इसी दौरान उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन सब कुछ तब बदलने लगता है जब वह लड़की न्यूज रिपोर्टिंग की दुनिया में कदम रखती है तो उसे उस लड़के के फैमिली के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। अब क्या इन कारणों से उन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं, ये सारी बातें आपको ये वेब सीरीज बताती है। इसकी IMDb रेटिंग 8.1 है जिसे आप एमएक्स प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 2 पर है डॉक्टर रोमांटिक। यह ड्रामा रोमांस सीरीज कहानी एक छोटे हॉस्पिटल के जीनियस और रोमांटिक डॉक्टर किम की, और जो भी लोग डॉक्टर किम से मिलते हैं वो कैसे रियल रोमांस को डिस्कवर करते हैं, ये वेब सीरीज इसी के बारे में है जिसे आप एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं और इसकी IMDb रेटिंग 8.4 की है। और नंबर 1 पर है आई एम नॉट अ रोबोट। यह वन ऑफ द बेस्ट कोरियन रोमांटिक ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज की कहानी एक बीमार शख्स और एक खूबसूरत लड़की की, जो बहुत सारे बाधाओं के बाद भी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। यह कोरियन ड्रामा रोमांटिक कॉमेडी और साइंस फिक्शन सीरीज है। इस वेब सीरीज को आप एमएक्स प्लेयर पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। इसके टोटल 16 एपिसोड है और सारे हिंदी में अवेलेबल है। इसे आपको जरूरी देखना चाहिए, आपको यह बहुत पसंद आएगी। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपने इनमें से कौन कौन सी वेब सीरीज देख ली है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।